नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे चक्की मोटर, सिंगल फेज चक्की मोटर के बाहर के कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये 3 HP की चक्की मोटर है और इसमें 4 तार हमने बाहर निकाले हैं रिवाइंडिंग करके, ठीक है, और 2 कैपेसिटर हमने लगाए हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर का, 2 कैपेसिटर हैं तो एक एक कैपेसिटर का तार लीजिए और आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक एक तार आपस में जोड़ लीजिए, 2 तार हमारे पास बन गए हैं कैपेसिटर के, ठीक है। अब 2 रनिंग के तार हैं हमारी मोटर के, और एक स्टार्टिंग का है और एक और स्टार्टिंग का है। 2 स्टार्टिंग के हैं और 2 रनिंग के तार हैं, ठीक है। तो आपको एक स्टार्टिंग का तार लेना है और एक रनिंग के तार के साथ जोड़ देना है। जोड़ने से पहले अच्छे से इनको छील लीजिए। तो एक स्टार्टिंग का एक रनिंग के साथ हमने जोड़ दिया है, ये हमने कॉमन बना दिया है। अब बचे हमारे 2 तार, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग का एक तार है उसको कैपेसिटर के किसी भी एक से जोड़ दीजिए, ठीक है, किसी से भी जोड़ सकते हैं आप। उसको जोड़ने के बाद जो कैपेसिटर का एक दूसरी साइड का बचता है, ये इसको आप रनिंग वाले से जोड़ दीजिए, जो रनिंग का बचा था, ठीक है। अब आपको 2 तारों में करंट देना है, रनिंग एंड रनिंग। अब देखिए, करंट देने के बाद मोटर चलती है। अगर मोटर के चक्कर उल्टे हो तो आप रनिंग के तारों को आपस में बदल सकते हैं या स्टार्टिंग के तारों को आपस में बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक दीजिए, दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।